नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। देखिए, स्टॉक प्राइस की बात करते तो 83-85 रुपीस के आसपास है और कंपनी का नाम है CESC, द कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। तो CESC लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और जैसे कि स्टॉक प्राइस बता 83-85 रुपीस के आसपास क्लोजिंग आई है और इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं कि आगे 3 से 6 महीने में कितना रिटर्न मिल सकता है। और 2021 में ये स्पिल्ड हुआ था दोस्तों, सितंबर के महीने में स्पिल्ड हुआ था। अगर आप CESC लिमिटेड में ध्यान देते होंगे तो 2021 में ये स्पिल्ड हुआ था सितंबर के महीने में। तो स्टॉक प्राइस जो है 1000 के आसपास था, जो स्पिल्ड रेशियो था 10:1 का था दोस्तों। तो अभी जो स्टॉक प्राइस है लगभग 83-85 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आगे आने वाले 3 से 6 महीने में कितना रिटर्न मिल सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड है पावर सेक्टर में। जैसे कि पावर सेक्टर के जो स्टॉक है काफ़ी तेज़ी रही 2021 में। आप टाटा पावर को देख लीजिए, NTPC को देख लीजिए, सरकारी कंपनी पावर ग्रिड में भी देख लीजिए, अच्छा खासा एक तेज हुआ है। और जो कंपनियां हैं पावर सेक्टर की उनमें भी तेज़ी रही। तो आगे आने वाले दिनों में पावर सेक्टर में और तेज़ी की संभावना रहेगी। और पेनी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी में भी तेज़ी रही दोस्तों। जैसे कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक देखिए अब 7-8 रुपये के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो पावर सेक्टर के शेयरों में 2021 में अच्छी तेज़ी बनी, उसी तरह से 2022 में कितना रिटर्न मिल सकता है CESC लिमिटेड से, द कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन से, तो उसकी बात हम इस वीडियो में करते हैं और कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं। RPSG ग्रुप की ये कंपनी है। इसके फाइनेंशियल नंबर को देखेंगे, क्वार्टरली, एनुअली और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के अनुसार लेवल्स क्या हो सकते हैं, 3 से 6 महीना या 1 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है उसकी बात करेंगे। और मार्केट में अभी करेक्शन भी है दोस्तों, तो अभी ये 100 रुपये का नीचे का स्टॉक है स्पील्ड के बाद। तो सारी जानकारी लेते हैं CESC लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है, स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाने से और आगे वीडियो बढ़ सकता है, जिनको ज़रूरत है तो वो भी देख सकते हैं। तो लाइक का बटन दबाएं और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए नए वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी इस चैनल के द्वारा दी जाती है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 11,300 करोड़ का है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हो 77 का है और EPS अर्निंग पर शेयर 10 का है दोस्तों। दोस्तों, कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी बढ़िया मिलता है। दोस्तों, फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो एनुअली बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो रेवेन्यू है कंपनी का एनुअली वार्षिक 11,638 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, और 2020 में 11,014 करोड़ का रेवेन्यू था। तो देखिए इनका लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है और पिछले 2020 और 2021 में 11,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है, ये सालाना है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल में बढ़ा ही है। 2017 में देखिए 606 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 1362 करोड़ तक पहुंचा है 2021 में दोस्तों। तो 1362 करोड़ है 2021 में और 2020 में 1236 करोड़ का। और पिछले 5 साल की बात करते हैं तो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है और नेट प्रॉफिट भी एक तरह से बढ़ा है। गैप टू इक्विटी की बात करते हैं तो 1.46 का है 2021 में दोस्तों। कंपनी का सालाना था। और क्वार्टरली नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं क्वार्टरली नंबर्स में, सितंबर 2021 में 3,494 करोड़ का रेवेन्यू था। तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है, लगभग 3500 करोड़ का रेवेन्यू है ये क्वार्टरली है। और जून में था 3,216 करोड़ का, तो अब के क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ा था। और अगर हम क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, लगभग 300 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट है, 429 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च के क्वार्टर में दोस्तों। और सितंबर के क्वार्टर में 340 करोड़ का रेवेन्यू। कंपनी जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है और एनुअली और क्वार्टरली नंबर्स थे ये, जिसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना रहेगी। जैसे मार्च के क्वार्टर में अच्छा खासा एक रेवेन्यू रहा था दोस्तों। का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में बढ़िया रहा है और इसीलिए स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ था। कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टरली और एनुअली अच्छा रहा है और आगे आने वाले दिनों में और ग्रोथ की संभावना रहेगी। तो ये क्वार्टरली और एनुअली नंबर्स थे। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हो तो 3 महीने का जो रिटर्न है कम है ये, और इसी के आसपास स्टॉक घूम रहा है लगभग 80 रुपीज़ के आसपास। और 1 साल का रिटर्न 40% का है, 3 साल का रिटर्न 27% का है।
दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सितंबर 2021 तक 52.11% की है, अच्छी खासी होल्डिंग है, और इंस्टीट्यूशन की है 35.96% की है। दोस्तों अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, सीएसई लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, और जो स्टॉक प्राइस है 83 रुपीज़ के आसपास है, 85 रुपये में क्लोजिंग आई है। दोस्तों लास्ट जो ट्रेड हुआ था 24/12/2021 को 85 रुपये में क्लोजिंग है, और 2021 की बात करते हैं अगर जो ट्रेडिंग हुआ है सीएसई लिमिटेड में, तो एक अच्छी खासी तेज़ी बनी थी दोस्तों इसमें। देखिए ये लोअर लेवल पे था, लगभग 500-600 रुपये के आसपास था स्पिल से पहले, तो एक अच्छी खासी तेज़ी बनी ऊपर की तरफ गया, और जो स्पिल डेट था इसका 17 सितंबर 2021 को, और 10:1 का रेशियो था। जिन निवेशकों के पास सीएसई लिमिटेड था तो उनको देखिए एक तरह से एक के बल्ले 10 शेयर मिले, और स्टॉक स्पिल्ड हुआ तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट रही, इसमें भी गिरावट हुई, मुनाफा वसूली हुई, 80 रुपीज़ तक आया था। तो ये डेट थी 27/9/2021, और स्पिल डेट जैसे कि बताया 17 सितंबर 2021, तो नीचे की तरफ आया ये सितंबर के महीने में, उसके बाद एक तेज़ी बनी इसमें, देखिए ऊपर की तरफ गया और लगभग मान के चलिए कि ये 102.45 रुपया, और अक्टूबर के महीने में जैसे कि मार्केट में भी गिरावट रही तो सीएसई लिमिटेड में भी गिरावट रही, तो 80 रुपीज़ का सपोर्ट इसको मिल रहा है इस वक्त, और स्टॉक ऊपर की तरफ अगर जो रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है 93.30 रुपया बना हुआ है, क्योंकि इसने 24/11/2021 को ऊपर की तरफ था, उसके बाद फिर से एक तरह से मुनाफा वसूली हुई, तो पिछले 4-5 महीने में जो इसका ट्रेड हुआ है स्पिल्ड के बाद 80 रुपीज़ का सपोर्ट, और ऊपर की तरफ बात करें तो 93 रुपीज़ का हडल बना हुआ है। अब स्टॉक प्राइस है 83 रुपीज़ में दोस्तों, 85.25 रुपया में क्लोजिंग आई है 24/12/2021 को। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, जैसे कि 85 रुपये में क्लोजिंग है तो ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो रहेगा 88 रुपया रहेगा दोस्तों, 88 रुपीज़ के ऊपर अगर निकलता है तब इसमें फिर एक थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है 90.80 रुपया तक, और 91 रुपये के ऊपर अगर निकलता है तो जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 93.30 रुपया, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, तब फिर एक तेज़ी की संभावना रहेगी और ऊपर की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, अपने 52-week high को भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, कहने का मतलब 100 के लेवल्स को ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, बट ये समय लगाएगा, मान के चलिए 3-6 महीना लगा सकता है, और आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट भी आएगा, और ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है तो 93.30 रुपया इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे का जो सपोर्ट है 80 रुपये का, और जो ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए 2-3% का स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से अगर सीएसई लिमिटेड में आप ट्रेड करते हैं, बट ये जो लेवल्स हैं पोजिशनली हैं दोस्तों, बट मार्केट में अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक में भी गिरावट होगी। अब जैसे कि अभी ये 85 रुपीज़ में है तो 80 का सपोर्ट इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, और 80 के नीचे अगर ये फिसलता है तब इसमें फिर कमजोरी रहेगी, क्योंकि फिर 200 DMA के नीचे आ सकता है स्टॉक, उसके लगभग 70 रुपीज़ के आसपास तक स्टॉक आ सकता है, जो प्राइस था इसका 20/8/2021 को था 272.7 रुपया के आसपास स्पीड से पहले। तो उससे पहले बात करते हैं तो देखिए इसी साल अगर हम 2021 की बात करते हैं तो देखिए फरवरी में ये काफ़ी लोअर लेवल पर था 60 रुपये तक, तो कहने का मीन्स है कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है 70 के नीचे या उसके नीचे मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक को देखना चाहिए, अभी तो स्टॉक ऊपर की तरफ है तो जिनके पास है तो 80 के लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा इंडिकेटर RSI भी देखिए एक तरह से रेंज में आई है, लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है 30 के आसपास और अभी ये है 45 में, तो अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है सीएसई लिमिटेड में, और गिरावट में एक तरह से मौका होना चाहिए सीएसई लिमिटेड में अगर पावर सेक्टर के शेयरों को देख रहे हैं। दोस्तों सीईएससी लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो रेवेन्यू में ग्रोथ रही है पिछले 5 साल के अनुसार, स्टॉक में भी एक तेज़ी रही है, पावर सेक्टर एक तरह से फोकस में है, 2022 में भी तेज़ी की संभावना रहेगी, स्टॉक में करेक्शन भी है स्पीड के बाद 100 के नीचे ये दिख रहा है, अपने अनुसार इस स्टॉक को देखना चाहिए और कितना समय दे सकते हैं, समय के अनुसार इसमें हमारा जो अनुमान है कि 25-30% की तेज़ी रह सकती है, अगर मार्केट में गिरावट भी होती है तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए, और 100 रुपीज़ के नीचे का स्टॉक अगर देख रहे हैं तो सीएसई लिमिटेड पावर सेक्टर में अगर इंटरेस्टेड हैं, कोई स्टॉक अगर लेना चाहते हैं निवेश के लिए लेना चाहते हैं तो सीएसई लिमिटेड से अच्छा एक गेन मिल सकता है। दोस्तों फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।